mathhimath.com. Let's start with question number 2 and first part of exercise number 7.3. The statement of this question is solve the following inequalities. ये जो हमारे पास inequalities हैं, इनको हमने solve करना है. अब इस inequality को solve करने के लिए अब ये थोड़ा सा जो है आप इसे समझ लें कि एक question अगर आपको समझ आ गया तो बाकी सारे आप कर लेंगे. देखिए यहाँ पे जो question की statement है वो कुछ इस तरह से है कि ये है जी -4 is less than 3x plus 5 is less than 8. अब अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे मैं दो सर्कल लगाता हूँ कि यहाँ पे -4 यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -4 is less than 3x plus 5 यानी एक तो ये सर्कल आ जाएगा और एक जो दूसरा सर्कल आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 8 is greater than 3x plus 5. तो ये basically 3x plus 5 ये एक sandwich हो रहा है, ये एक center में चीज आ रही है. तो यहाँ पे center में आने की वजह से हम इसके दो portions बना देते हैं और दो portion जब बनाए तो ये हमारे पास देखें इसी तरह से आ गया कि -4 is less than 3x plus 5 और 3x plus 5 is less than 8. अब दोनों जगह पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो चलें एक साइड से शुरू हो जाते हैं, इस साइड को ले लेते हैं. यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास -4 है, यहाँ पे ये +5 है, ये +5 जब इक्वालिटी सॉरी इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा. तो ये हमारे पास यहाँ पे 3x is greater than -5 -4 -9. अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये 3 इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये आ जाएगा -9/3. तो इसका आंसर -3 आ जाएगा. तो यहाँ पे x is greater than -3, एक तो इसका ये आंसर आ गया. अब दूसरी साइड जो है ये क्वाइट सिंपल है, आप इसे जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर कुछ ये होगा कि ये जो यहाँ +5 है ये इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा. तो हमारे पास 3x is less than 8 -5 तो ये 3 आ जाएगा. अब 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x is less than 3/3, सो x is less than 1 आ जाएगा. तो हमारी फाइनल स्टेटमेंट जो होगी वो तो कुछ इस तरह से बनेगी कि देखें अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो ये आ जाएगा जी -3 is less than x. इसको आप एक तस्वीर कर लें कि -3 is less than x and x is less than 1. तो ये फाइनल स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन किसी जगह पे है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ.com.